Good morning, Manish here. Welcome to TaxTen. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. DGFT extended last date of submitting application for script-based FTP schemes to Feb 28, 2022. DGFT ne notification number 53/2015-20 dated 1st Feb ko ye notification aaya tha. जिसके थ्रू डीजीएफटी ने जो स्क्रिप्ट बेस्ड एफटीपी स्कीम है उसमें जो एप्लीकेशन फाइल करना होता है उसका ड्यू डेट एक्सटेंड करके 28 फेब 2022 कर द सीईएसटीएटी दिल्ली इन केस ऑफ मिसर्स ईश्वर मेटल इंडस्ट्री। इस पर ईश्वर मेटल इंडस्ट्री के केस में सीईएसटी दिल्ली ने डिसीजन दिया है कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा टू क्लेम रिफंड ऑफ सर्विस टैक्स पेड मिस्टेकली। बाय मिस्टेक अगर सर्विस टैक्स पेड किया है तो उसके लिए जो लिमिटेशन पीरियड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, जो डिपार्टमेंट है वो उनको रिफंड करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशूड गाइडेंस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशूड गाइडेंस डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू अपलोडिंग ऑफ मैनुअली सबमिटेड फॉर्म 15CA/CB। जो मैनुअली 15CA/CB सबमिट हुआ है उसका उसको कैसे अपलोड करना है उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिटेल गाइडेंस नोट इशू किया है। आप ये गाइडेंस नोट हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। MCA launches a new way of e-filing for LLPs on MCA 21 portal. MCA ने LLP के लिए MCA 21 portal start किया है और ये 6th March 2022 को launch होने वाला है for the LLPs. From 25th Feb जो ये e-filing portal है वो सारे stakeholders के लिए बंद रहेंगे और जो payment करना है वो 19th Feb 2022 से offline payment जो करते हैं वो बंद हो जाएगा। जो MCA only online payment accept करेगी। ये डिटेल भी आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ बेसिक एक्साइज ड्यूटी एंड द नेशनल टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पे जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है नेशनल NCCD लगता है उसके लिए CBIC ने डिटेल क्लैरिफिकेशन इशू किए हैं। ये क्लैरिफिकेशन आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। गुजरात AAR ने मैटर ऑफ मिसर्स अरिस्टो बुलियन प्राइवेट लिमिटेड के केस में AAR गुजरात ने रूलिंग दिया है कि जो अनयूटिलाइज्ड ITC है वो डिनाइड नहीं कर सकते हैं मेरली बिकॉज द इनपुट हैव नो नेक्सस विद द आउटपुट सप्लाई। आउटपुट सप्लाई से अगर कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है इनपुट क्रेडिट कार्ड तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो ITC यूटिलाइजेशन है उसको डिपार्टमेंट डिनाई नहीं कर सकती है। ये गुजरात AAR का रूलिंग है। Clarification regarding applicability of social welfare surcharge on goods exempted from basic and other custom duties. Yes. ये issues थे because जो exempted supplies होते हैं जहाँ पे custom duty, basic custom duty लगते नहीं है वहाँ पे जो social welfare surcharges है वो लगेगा कि नहीं, ये issues थे taxpayers के because जो social welfare charges होते हैं वो custom duty और taxes के ऊपर ही लगाए जाते हैं 10% से। तो CBIC ने इसके regarding clarification दिया है। आप ये clarification, detail clarification हमारे website से access कर सकते हैं और उन्होंने बोला है कि जो अगर एग्जेम्प्टेड है तो उस पर सोशल वेलफेयर सरचार्जेस नहीं आएंगे क्योंकि अगर कोई टैक्सेस नहीं है तो उस पर अगर सोशल वेलफेयर चार्ज जो भी रेट से लगता है वो अगर चार्ज करते हैं तो वो अमाउंट जीरो ही आएगा। तो जो भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसके ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्जेस नहीं लगेंगे। स्वराज्यबिलिटी गवर्नमेंट जॉब पोर्टल फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी टू बी लॉन्च टुमारो। कल जो पर्सन विद डिसेबिलिटी 80 है उनके लिए गवर्नमेंट एक पोर्टल इशू करने जा रही है, जॉब पोर्टल, जिसमें जो डिसेबल पर्सन है उनको ही जॉब दिए जाएंगे और इसका पोर्टल का नाम होगा स्वराज्यबिलिटी। RBI टू इशू डिजिटल रूपी इन 2022-23 यूजिंग ब्लॉकचेन सिस्टम। यूनियन बजट 2022-23 में प्रपोज हुआ है कि RBI डिजिटल रूपी इशू करेगी फ्रॉम 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। रिलैक्सेशन इन बजट फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिए गए हैं। जो सरचार्ज वगैरह है सरचार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रिड्यूस्ड बट अदर कोई भी रिडक्शन या एग्जेम्पशंस नहीं दिए गए हैं अंडर इनकम टैक्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडिया पर्सन ने फाइनेंस मिनिस्टर को पूछा था कि आपने कंटिन्यूअसली 2 साल से जो इनकम टैक्स के अंदर कोई भी चेंजेस कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं दे रहे हैं और बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन गए थे कि जो न्यू रिजीम है टैक्स का न्यू रिजीम लाया था गवर्नमेंट ने तो वो बेसिकली जो भी छोटे टैक्स पेयर्स है वो न्यू रिजीम को अवेल ही नहीं करते थे। तो रिप्रेजेंटेशन गया था गवर्नमेंट के पास कि जो न्यू रिजीम है टैक्स का उसको इंसेंटिवाइज करे, उसमें और भी रिलैक्सेशन दे क्योंकि जो भी टैक्स पेयर्स है वो ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में जाए। बट इसमें इनकम टैक्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया है बजट में और एक मीडिया पर्सन ने फाइनेंस मिनिस्टर को पूछा था कि आपने कोई चेंजेस नहीं किया तो उन्होंने बताया कि ये कोविड पेंडेमिक को लेके हमने कोई टैक्सेस बढ़ाया नहीं है
तो जो टैक्सेस बढ़ाया नहीं वही रिलीफ है, इसके लिए हमने कोई सेपरेट रिलीफ दिया नहीं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।